जय हिंद। आज का क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स के। सबसे पहले मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज जो है बहुत पुरानी एक्सरसाइज है, इंडिया एंड यूएसए ने स्टार्ट की थी मालाबार एक्सरसाइज। यूएसए और इंडिया ने मिलकर एक एक्सरसाइज स्टार्ट की थी जिसको हम मालाबार एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है। कुछ सालों के बाद जापान इसका मेंबर बना, ठीक है, जापान को ऐड किया गया, फिर ऑस्ट्रेलिया भी इसका मेंबर बना। ये सारी कंट्रीज मिलके मालाबार एक्सरसाइज तो करती है, ये कोस्टल एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी कंडक्ट करती है, प्लस ये क्वाड ग्रुप है। क्या है? क्वाड ग्रुप। ये क्वाड ग्रुप भी इसको कहा जाता है। क्वाड में चार कंट्रीज जो मिलके ग्रुप बनाती है, डेट इज का क्वाड ग्रुप। यही क्वाड ग्रुप मालाबार एक्सरसाइज भी करता है। 2023 में मालाबार एक्सरसाइज जो है ये कहां पे हुई थी? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इस साल ये बे ऑफ बंगाल में होगी। ये अभी स्टार्ट नहीं, कब होगी? अक्टूबर में। और ये मालाबार एक्सरसाइज इंडिया यूएस जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। 2021 में ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड ग्रुप बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं बड़ी बार, ठीक है। 2021 तीन ये कंट्री यूएसए इंडिया एंड जापान मिलके, ऑस्ट्रेलिया जब मिल जाता है इसके साथ तो क्या बनाता है? क्वाड ग्रुप। क्वाड ग्रुप की फॉर्मेशन हुई 2021 में। इससे पहले 2007 की बात करते हैं, एशियन समिट हुआ था, उसमें ये चारों कंट्रीज बुलाई गई थी, तो इनका भी अपना एक क्वाड ग्रुप, अलग अलग एशियन में अलग अलग क्वाड ग्रुप होते हैं, ठीक है, उनके अलग अलग फंक्शनिंग होती है। ये जो एशियन में एक अलग से साइड में एक ग्रुप बनाया गया, ये इतना एक्टिवेट नहीं है। उसके बाद 2021 में ये सारी कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसको क्वाड ग्रुप कहा जाता है। G4 भी है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वाड ग्रुप और G4 अलग अलग है, ठीक है। G20 जब बना उसमें से चार कंट्रीज बाहर आती हैं, वो चार कंट्री डिमांड करती हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल आपकी बात करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर है। क्या है? वीटो पावर। जो पांच देश है कोई भी दुनिया का डिसीजन लेना हो और ये पांच कंट्रीज लेती हैं, ठीक है। ये पांच कंट्रीज कौन सी हैं? यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ये फाइव परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, बाकी रेस्ट जो 10 होते हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये परमानेंट यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया और चाइना। इंडिया की जगह चाइना की जगह इंडिया को दी गई थी, बट इंडिया के जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे जेएन नेहरू, ही हैज रिफ्यूज्ड एससीओ मेंबरशिप इजिप्ट टू चाइना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन में सबके पास एक वोट होता है, उस वोट को वो यूज करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी कंट्रीज को टेररिस्ट घोषित करना है तो पांचों अगर वो वोट करते हैं, पांचों की कंसेंट होती है, तो वो कंट्री टेररिस्ट घोषित हो सकती है। जैसे अभी विथड्रॉल अभी क्या आ रहा है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल की अगेंस्ट, ठीक है, उसको सस्पेंड किया जाए नेतन्याहू को, इस तरह की पिटीशन फाइल की जाती है। जब इंडिया ने मसूद मलिक जो है इंडिया का जिसने अटैक किया था इंडिया पे बॉम्बे में, तो उसके अगेंस्ट इंडिया ने पिटीशन फाइल की थी यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। और उसके चाइना बार बार क्या करता था, विड्रॉल कर लेता था, चार लोग उसके फेवर में उतने एक नहीं करता था, तो वो पिटीशन फॉलो नहीं की जाती थी, उसको माना नहीं जाता था। जो लास्ट में 2020 में फिर फ्रांस ने ये पिटीशन फाइल की मसूद को मिलिटेंट घोषित करने के लिए, तो पांचों कंट्रीज के हो गए, इनका कंसेंट हो गया, वो वर्ल्ड में अब क्या है एक मिलिटेंट घोषित हुआ। इसी तरह किसी कंट्रीज को कोई जैसे पैलेस्टीन है, ठीक है, पैलेस्टीन को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में
एक पिटीशन फाइल की जाए कि यहाँ पे एड्स प्रोवाइड की जाए खाना, क्योंकि यहाँ पे अब गाजा ने लड़ाई तो ले ली इसराइल से, ठीक है, गाजा ने इसराइल कितने लोग मारे उसके लिए कोई पिटीशन नहीं है, बट गाजा के लिए पिटीशन, ठीक है, फिर उसके लिए पिटीशन फाइल की, सब कंट्रीज ने कंसेंट की और उसको माना गया कि सब लोग अब उसकी हेल्प करेंगे, सारे उसको राइट टू वोट, वहां पे वोटिंग हुई, पांचों वोट हुए, पांचों कंट्रीज के और सारी कंट्रीज क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, ठीक है। ये होता है सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स। अगर इसकी जगह इंडिया होता तो इंडिया चाइना नहीं होता, इंडिया होता। अभी तक इतनी दुनिया चेंज हो गई है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये यूनाइटेड नेशन बनाया गया था, अभी तक यही पांच कंट्रीज जो है 193 कंट्रीज में से पांच कंट्रीज के पास ही परमानेंट क्या है वीटो पावर्स है, और अभी तक इन्होंने इंक्रीज नहीं की। अब G20 बनने के बाद G4 में चार देश बाहर आते हैं, इंडिया, जापान, जर्मनी एंड ब्राजील, ठीक है, ये सारी कंट्री जब बाहर आती हैं, दे डिमांड वीटो पावर्स। किसकी पाप डिमांड कर रहे हैं, मेंबर ऑफ SCO, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन की, ये डिमांड कर रहे हैं इनको मेंबरशिप मिलनी चाहिए। अगर मेंबरशिप मिलती है तो ये दो चारों कंट्रीज, ये ग्रुप वाइज है, इंडिया और जापान अपनी पावर्स को शेयर करेंगे और जर्मनी और ब्राजील जो है अपनी पावर्स को शेयर करेंगे, समझ आया। ये मालामाल एक्सरसाइज जब भी हम करते हैं, इसके बाद क्वाड ग्रुप, इसके ग्रुप, और याद रखना लास्ट ईयर मालामाल एक्सरसाइज और क्वाड ग्रुप की मीटिंग दोनों ही कहां पे, ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा में, कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है कैनबेरा है, बट सिडनी की सबसे बड़ी सिटी थी 2023 में मेलबोर्न ने, मेलबोर्न भी ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न ने इसको सरपास कर दिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया क्या है, चल अंकुश, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बोल, ठीक है, भाई पाकिस्तान जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की छोटी सी कंट्री है, ठीक है, भारत के साउथ वेस्ट में लाई करती है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, एशिया का। चल युवराज आर्यन, लार्जेस्ट कोरल रीफ दुनिया में कहां पर, क्या बोलते हैं इनको, कोरल रीफ्स को क्या बोलते हैं, कहां पाए जाते हैं, चल आर्यन आदित्य इनको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, ये कहां पे है, ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल रीफ्स होती हैं, देख कल भी पढ़ा था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, भाई ऑस्ट्रेलिया पढ़ा रही, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, चल न्यू प्राइम मिनिस्टर बोल ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, मिलिंडा क्लार्क भी यहाँ रखी है ऑस्ट्रेलिया की, ये फर्स्ट फीमेल इंडियन फीमेल क्रिकेटर है जिसका स्टैचू इंस्टॉल काम किया गया मेलबोर्न क्रिकेट की क्रिकेट स्टेडियम में, मेलबोर्न क्रिकेट, इसका स्टैचू कहाँ पे लॉन्च बनाया गया, मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम में, ठीक है, मेलबोर्न कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, चलो भाई ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट पीक को, पीक का नाम क्या है, मजाक चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट रिवर का नाम क्या है, बोलो चल युवराज बोल, ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, मुझे भी नहीं आता, नहीं नहीं मुझे नहीं आता सच का, रिवर बोल, कोसी कोजोकी, माउंट कोसी कोजोकी, कोसी कोजोकी बोलते हैं, ठीक है, माउंट कोसी कोजोकी जो है ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है, माउंट यूएसए की बोल, अमेरिका की बोल, कोजोकी, माउंट कोजोकी, के ओ एस
CUS मैकिनले अमेरिका की नॉर्थ डेनाली माउंट डेनाली जो है यूएसए अमेरिका की है और अकॉनकागवा किसकी है बोल भाई अकॉनकागवा किसकी है जापान साउथ अमेरिका की ठीक है अकॉनकागवा ठीक है अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक बोलो बेनिसा अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक आपको क्वेश्चन भी आया एनडीए एनडीए रिसेंटली आपको क्वेश्चन आ चुका भाई विंसन मैसिव हाँ विंसन माउंट विंसन यूरोप हमें सारी आंसर होनी है बिल्कुल माउंट एल्ब्रस हाँ माउंट एल्ब्रस हाँ माउंट एल्ब्रस में सो माउंट कोई और क्या कोई और आई स्पीक ऑफ पाकिस्तान किसकी पाकिस्तान बिल्कुल के टू कश्मीर ऑक्यूपाइड पाकिस्तान माउंट गॉडविन ऑस्टिन हाँ माउंट गुडविन ऑस्टिन जो है भाई ये मैं लास्ट टाइम करवा रही हूँ बड़ी बार करवा चुकी हूँ यहाँ देखो यस मैम हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड यहाँ देखिए माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका अफ्रीका में ये माउंट किलिमंजारो कभी 1000 ईयर पहले यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोस होते थे ठीक है अब एक्सटिंक्ट हो गया माउंट किलिमंजारो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है और माउंट फुजियामा कहाँ पे है नेपाल में ठीक है वो भी क्या है एक्सटिंक्ट वोल्केनो है और मानालोवा कल मैंने करवाया था वोल्केनोस मानालोवा लार्जेस्ट वोल्केनो है कहाँ का इटली का और हवाई में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो गोटेमाला में भी एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर में 542 वोल्केनोस एक्टिव कितने हैं 542 एक्टिव वोल्केनोस पाए जाते हैं कहां पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पैसिफिक ओशन में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में 542 वोल्केनोस पाए जाते हैं ये क्वेश्चन आंसर ठीक है आप देखो ये याद रखनी है पीक्स ठीक है अफ्रीका की किलिमंजारो हाईएस्ट पीक भी है और एक्सटिंक्ट वोल्केनो भी है अफ्रीका में दुनिया अफ्रीका में लार्जेस्ट रिवर भी है ठीक है कहां पे नाइल वो भी अफ्रीका में अफ्रीका की कांगो रिवर दो बार इक्वेटर को क्रॉस करती है और इंडिया में माही रिवर दो बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है ठीक है अफ्रीका में सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है डार्केस्ट कॉन्टिनेंट है ठीक है डॉक्टर्स इसलिए नहीं बोला जाता कि वहां पे ब्लैक लोग रहते हैं क्योंकि बहुत देर बाद मिला इसको खोजने में बड़ा टाइम लगा ठीक है हायर नॉर्थ अमेरिका की हायर माउंट डेनाली कौन सी है माउंट डेनाली और साउथ अमेरिका की अकॉनकागवा कौन सी है अकॉनकागवा कौन सी है अकॉनकागवा यूरोप की एल्ब्रस और ऑस्ट्रेलिया की माउंट क्या हुआ माउंट कॉस्जिको इसको इसके प्रोनाउंसिएशन अलग है आप देख सकते हो वहां पे जब डालोगे उसमें अलग से आएगा कॉस्जिको बड़ी बार हमने भी इसके प्रोनाउंसिएशन किया फिर भूल जाते हैं ठीक है कॉस्जिको हाँ काजियास्को इसको हमने कॉस एस ऑस्को इस तरह करो कॉस एस ऑस्को इसको इस तरह याद रखते हैं हम ठीक है कॉस एस एस ऑस्को ठीक है और विंसन जो है अभी आपको एनडीए क्वेश्चन आया था आपके ही पेपर में था हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका विंसन है ठीक है इंडिया की हाईएस्ट आप दो क्वेश्चन भारत का हमेशा याद रखिए अगर हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया के क्वेश्चन में हिमालय पूछते हैं तो आप दोगे कंचनजुंगा अगर हाईएस्ट पीक ऑफ करकरम पूछते हैं ठीक है करकरम रेंज पीक माउंटेन पूछते हैं तो वो कौन सी है के टू गुडविन ऑस्टिन और गुडविन ऑस्टिन नंगा पर्वत पे है कहाँ पे है नंगा पर्वत पे है ये हो गया डन नेक्स्ट देखो डेजर्ट मैंने आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ रिवर एशिया की सबसे बड़ी रिवर जो है वो चाइना में है जैंगजी कौन सी है
एग्जैक्टली। उसके बाद अफ्रीका की नाइल, अमेरिका की मिसिसिपी, दोनों ही लिख लो। कभी कभी मिसिसिपी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, कभी कभी मसूरी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। दोनों ही याद रखिए कभी कभी, ठीक है। दोनों ही आप याद रखेंगे, मिसिसिपी और मसूरी। एशिया की चाइना में है, हाँ ये चाइना में है, ये इजिप्ट में है जो अफ्रीका की है, ये ओनेक्सी, ओनेक्सी अंटार्कटिका की सबसे बड़ी रिवर है, ये वॉल्गो यूरोप में है, और ऑस्ट्रेलिया की मुरे, ठीक है, मुरे मुरे मुरमुरे, ठीक है। ये सारी आपको याद रखनी है। जैंगसी आती है कि हवांगो सारो, अब यहाँ पे देखिए सारो ऑफ बिहार, सारो ऑफ चाइना, ये हवांगो है, येलो रिवर भी बोलते हैं। हाँ ये हवांगो है, ठीक है। ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ चाइना, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ चाइना, चाइना की सिविलाइजेशन हवांगो रिवर पे किनारे थी। जैसे इंडिया की सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, ये दुनिया की अभी भी लाइवली सिविलाइजेशन है, ठीक है। अभी एक मिनट रुकूंगी ना, फिर म्यूजियम टूट जाता है, ठीक है, बाद में आप चाय देख लें। ये भी कर लो, एशिया की लेक बाइकल है सबसे बड़ी, नॉर्थ अमेरिका में लेक सुपीरियर है, टिटिकाका अमेरिका में है, वोस्टोक अंटार्कटिका में है। ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली अंटार्कटिका के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, अंटार्कटिका से 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार क्वेश्चन ये आ चुके हैं पिछले, हम कुछ 5-6 महीनों से जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम चल रहे यूपीएससी के, उसमें अंटार्कटिका से क्वेश्चन है, ठीक है। यूरोप का लेडोगा, ऑस्ट्रेलिया का आई, ठीक है, आई आई याद रखिएगा, बाइकल्स पीरियड टिटिका का, और एशिया और इंडिया की, एशिया और इंडिया की कौन सी है बोलो, बुल्लर लेक, कौन सी है बुल्लर लेक। एशिया की डीपेस्ट लेक कौन सी है, डीपेस्ट लेक जो है भारत की वो मानस बल है, ये कहाँ पे है, कश्मीर, कहाँ पे है, तो फिर लेक बाइकल है, वो इंडिया की नहीं है, वो एशिया, इंडिया फ्रेश वाटर लेक, वो भी फ्रेश वाटर लेक है एशिया, बट एशिया और इंडिया की ये मैं करवाऊंगी रशिया में, ये देखते हैं किसमें है, आधा रशिया और एशिया में आती है, ठीक है। ये दो पॉइंट ये याद रखिएगा। लगून लेक, लगून लेक जो है भारत की वो है चिल्का लेक, केर लेक, केरला की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, क्या लिखा आपने, कौन सी लेक, चिल्का लेक हो ओडिशा में, चिल्का लेक कहाँ पे है, ओडिशा में। हाईएस्ट लेक जो है भारत की, हाईएस्ट गुरुडांगा, गुरु याद रखिएगा, ये सारे आपका करंट अफेयर के ये आपको आ सकते हैं कभी भी जी। लगून जिसमें एक होता है भर सिलाई, एक होता है लगून, क्या होता है, हाँ सिलाई और लगून में थोड़ा अंतर होता है, क्या होता है, दुनिया की सबसे डीपेस्ट, दुनिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट और डीपेस्ट पॉइंट जो है, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ एशिया, डीपेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया पॉइंट ऑफ एशिया जो है कौन सा है, डेड सी, डेड सी जो है हाईएस्ट सिलाइनिटी, इसमें सिलाइनिटी है, मीन इसमें कश्मीर में बांदीपुरा में, ठीक है, ये सलाइनिटी देखकर इसमें नमक की मात्रा इतनी है कि लोग यहाँ तैरते हैं डूबते नहीं है, कहाँ पे, डेड सी में, डेड सी इसराइल और जॉर्डन के बॉर्डर के बीच है, और बुल्लर लेक लगून लेक है, इसमें लगून लेक जो होती है ना ये भी सलाइन लेक ही होती है, कौन सी होती है, सलाइन लेक, ठीक है। भाई वहाँ पे नमक की बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, सॉल्ट तभी तक, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गए सारे क्वेश्चन, ये बाद में किसी दिन करवाऊंगी, जा रहे हैं वहाँ पे बच्चा वापिस जा रहे हैं उसी के साथ क्वेश्चन, ये आपके एफकैट में आते हैं, नहीं जो भी पढ़ाएंगे।
नेक्स्ट है इंडिया और मंगोलिया के बीच। चल ऋषभ खड़े हो बोल। ईस्ट एशिया कंट्री, ईस्ट एशिया कंट्रीज कौन कौन सी? ईस्ट एशिया कंट्रीज काली तो करवाया वहां कहां चला? ईस्ट एशिया कंट्री है काली की का भाई महान हस्ती हो। याद आ रही है तो मुझे भी याद ही है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज चाइना जापान। अब देख ले भाई मुझे भी पता है। कल मैं अगर तुमको बोलती हूँ कि टेस्ट है तो टेस्ट का मतलब था पढ़ के आना होता है। आप लोग फिर से उसी इस तरह पेपर नहीं आकर क्लियर होगा। आपको आ सकता है भाई क्वेश्चन एग्जाम में कि आपको मैच आ गया तो क्या करोगे। ज्यादातर क्वेश्चन उसी प्रोसेस में आ रहे हैं। वो आप छोटे बचपन वाले क्वेश्चन हम बंद कर दिए हैं एग्जाम्स में भी। ठीक है इंडिया के ऊपर जितनी भी कंट्रीज है वो ईस्ट एशिया कहलाती है। भारत जो है साउथ ईस्ट एशिया है। भारत के इस तरफ वेस्ट की तरफ पाकिस्तान के आगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। उसके पीछे उसके उस तरफ मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं और सेंट्रल एशियन कंट्रीज को टच करता है रशिया और यूरोप। इस मैम सब नहीं करवाया हमेशा याद रखिएगा। ईस्ट एशिया चाइना ऊपर है, चाइना के साथ मंगोलिया है। मंगोलिया जो है ये यहाँ पे मंगोलिया चाइना जो है मंगोलिया का बॉर्डर मंगोलिया का डेजर्ट गोबी डेजर्ट वो चाइना और मंगोलिया के बीच आता है। चाइना बोलता है मेरा है भाई मंगोलिया क्यों लेगा। ठीक है मंगोलिया की कैपिटल बोल आयन एनडीए तैयार होके आओ हमें क्योंकि टाइम कम है मैं छोड़ूंगी नहीं। अनन्या बोल मंगोलिया की कैपिटल। अंकुश आशिमा बोलो मंगोलिया की कैपिटल। उलन बत्तर उलन यू एल एल ए एन उलन यू एल एल ए एन उलन उलन बत्तर। ठीक है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया तेवान जापान आइलैंड नेशन है यहाँ पे ईस्ट एशिया का आइलैंड कंट्री है। सबसे ज्यादा वॉल्केनो इस कंट्री में अर्थक्वेक इसी कंट्री में आते थे जापान में। भाई पढ़ के आई हो मैं छोड़ूंगी नहीं भाई मजाक मत करो। नेक्स्ट देखो मंगोलिया के साथ भारत की नोमैडिक एलिफेंट होती है। कौन सी? नोमैडिक एलिफेंट। ये किस साल कहां पे हुई? मेघालय के उमरोई में। मेघालय के उमरोई में चलो मेघालय की कैपिटल बोल। मेघालय में शिलांग शिलांग कहां पे है? शिलांग शिलांग इन शिलांग। ठीक है मेघालय की कैपिटल शिलांग। ठीक है और मेघालय दुनिया का वेटेस्ट प्लेस कहां पे है? शिलांग में। ठीक है वेटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ सबसे ज्यादा रेनफॉल वेटेस्ट प्लेस की मीन सबसे ज्यादा रेनफॉल मौसम राम में होती है। कहां पे? मौसम राम चेरापुंजी की तो थी भाई चेरापुंजी सरपार मौसम राम याद रखिएगा क्योंकि चेरापुंजी में इससे पहले होती थी बट लास्ट में जो हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव की गई है वो 200 सेंटीमीटर चेरापुंजी में ही हुई है बट अभी तो कहा नहीं आया। आपको दोनों ही याद रखिएगा मौसम राम भी मेघालय में है। मेघालय में एलिफेंटा केव है। एलिफेंटा केव नहीं है एलिफेंटा फॉल। क्या है? एलिफेंटा फॉल कहाँ पे है? मेघालय में। और एलिफेंटा केव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र मुंबई में। याद रखिएगा एलिफेंटा फॉल मेघालय में केव और यहाँ की ट्राइबल खासो जयंतिया एक आप बताओगे
यहाँ के माउंटेन्स भी हैं, खासो दारो दारो ठीक है, मैंने इसलिए गारो नहीं बोला, दारो बोलते थे आपको खासो दो मिनट है ठीक है, गारो खासी जयंतियां यहाँ के और ट्राइबल्स भी हैं ठीक है, गारो खासी जयंतियां मेघालय में, और कुछ कोई बताएगा मेघालय से, कालिस के मेघालय से लिख लो भाई, टेस्ट लिख लो अपनी कॉपी में लिखा करो, फिर बोलते कल मैम ने बोला नहीं, मेघालय स्टेट्स मैंने बड़ी बार करवाई है, पूरे का पूरा मेघालय टेस्ट होगा, ट्राइबल्स हाँ परसों ट्राइबल्स ट्राइब्स फेस्टिवल मेघालय थे, और फोक डांसेस फोक फेस्टिवल्स ठीक है, सॉन्ग्स और मॉन्यूमेंट्स, बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं ठीक है, हाँ कुंडली पढ़ के आ जाइएगा। आप बोलते हैं कि इंडिया और थाईलैंड, आप यहाँ पे आपने कल इतना बोला थाईलैंड के बीच नहीं होती है, मंगोलिया के बीच नोमैडिक है, इंडिया ये भी मिलिट्री एक्स है, मैत्री मैत्री जो है ये इंडिया और आईटी में एम ए होता है एम ए मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच कौन सी है मैत्री ठीक है, ये कहाँ पे हुई थाईलैंड में, थाईलैंड में। अब आपको ये नहीं आता अनन्या, ये क्वेश्चन नहीं आते इंडिया और थाईलैंड के बीच कौन सी एक्सरसाइज, अब आपको ये आ सकता है 2012 में 15 में 16 में मैत्री एक्सरसाइज कौन सी कंट्री में हुई, यहाँ पे किसने पार्टिसिपेट किया ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, रिमपैक मैंने पढ़ाया था, रिमपैक में पार्टिसिपेट किसने किया है INR शिवालिक ने, और रिमपैक में किसने कौन सी इंडियन पायलट है जिसने पार्टिसिपेट किया है भावना, इसलिए नहीं वो ब्लैक पिच में है, इसमें है ब्लैक पिच में भावना बोलो आगे, सिंक कांत कौन है भावना, भाई तुम कोई बात नहीं क्लास लगाने के आपके जरूर ठीक है, अभी पढ़ लेते थोड़ा सारा फिर उसके बाद क्लास लगा, न्यू अपॉइंटमेंट्स देखिए किस किसकी हुई है, अपॉइंटमेंट से यहाँ से क्वेश्चन पॉल कार्मी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे देश के लिए अपॉइंटमेंट हो रही है, जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हमने देश के लिए डट के काम कर रहे हैं ना उनके लिए अपॉइंटमेंट हो गया, हमने रशिया का प्राइम मिनिस्टर देखा, इजराइल का देखा, इंडोनेशिया का देखा, इटली का देखा और फ्रांस का भी देख रहे, फ्रांस में बिल्कुल सेम इलेक्शन इंडिया जैसे हो गया, बी अलर्ट ठीक है, इंडिया की तरह ही वहां भी इलेक्शन हुए हैं, वहां पे भी बड़ी वहां पे हैंग पार्लियामेंट हो गया ठीक है, आने वाले समय में बड़ी सारी चेंजिंग आएंगी दुनिया में, नेगेटिव ही रहेंगी पॉजिटिव चेंजिंग्स कम आएंगी ठीक है, यहाँ देखो ये फोर टैंक बने रवांडा, रवांडा को दुनिया का क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं लैंड ऑफ हिल्स, रवांडा को रवांडा की कैपिटल याद रखिएगा काइगली, क्या है काइगली, और करेंसी फ्रैंक, जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज है उन सबकी कंट्रीज है तो मोस्टली फ्रैंक है, क्या है फ्रैंक है, और प्रेसिडेंट कौन है पॉल काइगेम में, ये क्या बने हैं यहाँ के फोर्थ टाइम प्रेसिडेंट बने हैं, और प्राइम मिनिस्टर है निकी रेंटी निकी रेंटी, रवांडा को लैंड ऑफ हिल्स कहते हैं, लैंड ऑफ हिल्स, लैंड ऑफ सेवन हिल्स किसको कहते हैं, लैंड ऑफ सेवन हिल्स किस देश को कहा जाता है, लैंड ऑफ सेवन आईलैंड भारत में किसको कहा जाता है, रोम, लैंड ऑफ सेवन हिल्स रोम है, लैंड ऑफ सेवन हिल्स रोम, रोम की कैप इटली की कैपिटल रोम, लैंड ऑफ हिल्स रवांडा, लैंड ऑफ सेवन आईलैंड मुंबई, लैंड ऑफ लेक्स इन द वर्ल्ड एंड लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स इन द वर्ल्ड, ये बड़ी बार क्वेश्चन आते हैं, थाउजेंड लेक्स इन द वर्ल्ड एंड इंडिया में लेक सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक ठीक है, लैंड ऑफ लेक दुनिया में स्कॉटलैंड को बोलते हैं,
किसको बोलते हैं? और लैंड ऑफ फ्रोजन लेक बोलते हैं फिनलैंड को. किसको? फिनलैंड को. सिटी, लेक सिटी ऑफ इंडिया, भोपाल. इंडिया में भोपाल जो है. ओल्डेस्ट लेक, ओल्डेस्ट मैनमेड लेक, मैनमेड लेक जो है भारत की वो है बोस्टल लेक. कौन सी है? बोस्टल लेक. राजा बोज ने बनाई थी इसको. अपर लेक भी कहते हैं, भोपाल में है. क्या है? भोपाल में. ठीक है, याद रखिएगा. ये लैंड ऑफ फिल रवांडा, लैंड ऑफ सेवन इन रोम, लैंड ऑफ सेवन आइलैंड मुंबई, लैंड ऑफ लेक स्कॉटलैंड, लैंड ऑफ फ्रोजन लेक फिनलैंड. और पहला भारत का जो मेडल आया था 1956 में ओलंपिक्स में, वो भी हेलसिंकी ओलंपिक्स था. ये भी याद रखिएगा, हेलसिंकी रेसलिंग में आया था. ये कौन है? केडी याद. ये भी ठीक है. भोपाल मैना मिड लैंड ऑफ मिडनाइट सन. लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको बोलते हैं? नॉर्वे. किसको बोलते हैं? नॉर्वे. लैंड ऑफ राइजिंग सन. लैंड ऑफ सनसेट. चाइना. इंडिया में लैंड ऑफ राइजिंग सन? अरुणाचल प्रदेश. ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं. ठीक है, आप कभी कभी पूछ लेते हैं, छोड़ना तो कुछ है नहीं हमने. ठीक है, चलो आगे देखो. अपॉइंटमेंट कौन कौन सी हुई है उनको देखो. ये एमडी बने बीएसएनएल के, इनका नाम है रॉबर्ट रवि. ये हम पढ़ कर चुके हैं, ये जो पढ़ चुके हैं उन्हीं को रिपीट मैंने किया है, जो जो अपॉइंटमेंट हुई है. सीईओ ऑफ बजाज इलेक्ट्रिक का विशाल चड्डा. न्यू एनबीडीए, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, प्रेजेंट न्यू ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन का रजत शर्मा, जो एनडीटीवी के हैं. प्रिंसिपल एडवाइजर टू यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन कर चुके हैं. मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज सत्य नारायण गोयल. आगे देखो कौन कौन से. नेपाल के न्यू प्राइम मिनिस्टर कोहली बने हैं, केपी ओली. लुथेनिया के गितनास नोसीडा. ईरान के मोहम्मद बेगे गलिबफ. ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के याद है के एस चर्मी, इन्होंने ऋषि सनक को हराया है. ठीक है, नीदरलैंड के डिकशॉफ. कौन बने? डिकशॉफ से पहले जो थे वो बड़ी देर से प्राइम मिनिस्टर थे नीदरलैंड के. नीदरलैंड की, नीदरलैंड को पहले हॉलैंड कहा जाता था. इसकी कैपिटल है एम्स्टरडैम. और यहाँ पे याद रखिएगा डिकशॉफ से पहले जो थे उन्होंने खुद इसको बिठाया और साइकिल से वापिस घर चले गए. ठीक है, सही है ना. पीयूष गोयल जो है ये भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं. इन्होंने G7 मीटिंग चल रही है इटली में, वहां पे पार्टिसिपेट किया है. ठीक है, एज अ यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर. और G7 भाई कौन बोलेगा? G7 देश. G7 हाँ, चलो एक में लिख लेती हूँ. यूके, यूएसए, जापान, इटली, कनाडा. इटली भी लिख लेते हैं. इटली लिखना है, इटली लिखना है. इटली बोलो. 1 2 3 4 5 हो गए. आगे जर्मनी, फ्रांस. मेरा तो पग ले रहा है. चलो ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओगे क्या ये सही लिखा है. मैं चाइना भी लिख देती हूँ. चाइना, पाकिस्तान बताओ. पाकिस्तान पाकिस्तान को गेम समझने वाली है भाई. यूनाइटेड नेशन ने इसको नॉन परमानेंट मेंबर बनाया भाई 2016 के बाद. अब बना गेम समझो, छोड़ नहीं दो. ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा इंस्टेंट ट्रेडिंग कर रही है कंट्री, जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, सबसे लीडिंग कंट्री है 7.8% के साथ भारत. इस चीज में ग्लोबल, ग्लोबली हर चीज में. और यूएसए और रशिया, चाइना, इंडिया से, चाइना का नहीं मुझे पता, मैं DD1 में देख रही थी.
और यूएसए यूके इंडिया से बहुत पीछे है, 3.8-3.5 चल रही है। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है भाई, 7.8% चाइना है ना पाकिस्तान, ठीक है। आप देखो G7 जब बना था ना, सबसे पहले G5 बना था, फिर G6 बना, फिर G7, फिर कुछ सालों के बाद यूएसएसआर के हिस्से हुए तो रशिया आया, G8 बना। G8 को रशिया ने क्रीमिका में अटैक किया 2018 में। क्रीमिका जो है यूक्रेन का पार्ट थी, वहां पे ज्यादा लैंग्वेज जो बोली जाती थी वो थी रशियन, तो इसलिए उसने अटैक किया था क्रीमिका, रशिया ने ले लिया था वापिस, बट वहां यहाँ से G7 इसको निकाल दिया, फिर से G7 हो गई, ये दो कंट्रीज नहीं है। इंडिया भी G7 का पार्ट नहीं है, बट इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लगा था G7 में गेस्ट ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। इस साल इटली में हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, लास्ट ईयर जापान में हुई तब भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, उससे पहले यूके में हुई तब भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ICG रेस्क्यू, इंडियन कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू था, ये कितने लोग कहां पे था, केरला में तूफान आया था, फिशिंग बोट 11 लोगों को बताया गया। अब ये RPF क्या होता है, रैपिड पुलिस फोर्स, रेलवे की रेलवे रैपिड फोर्सेस होती हैं, ठीक है। इसने 84119 चिल्ड्रन का रेस्क्यू किया, इसके लिए ये 3-4 साल से ये ऑपरेशन लॉन्च है। नन्हे फरिश्ते, क्या है नन्हे फरिश्ते, जो आम रेलवे स्टेशन में बच्चों को उठा के ले जाते हैं, ठीक है, ट्रैफिकिंग होती है बहुत बड़ी रेलवे में, उसके लिए होम मिनिस्ट्री ने ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका नाम है नन्हे फरिश्ते, और इसको लॉन्च किया था अमित शाह ने 2-4 साल पहले की बात है। यूनियन मिनिस्टर स्टेट का भी, ये स्टेट के लॉ मिनिस्टर हैं बीएल वर्मा, इन्होंने सामाजिक अधिकृता शिविर लॉन्च किया है द पुलिस स्टेशन, कहां पे, उत्तर प्रदेश बर्धौन में, ठीक है, ये भी याद रखिए। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, वो कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क, और मणिपुर के नेशनल पार्क भी करके आइएगा, मेघालय, ठीक है, दो ही नेशनल पार्क है, लोकसभा सीट राज्यसभा सीट भी एक एक दो दो ही है, ये भी याद करना, ठीक है। ये आज आपका इतना ही करंट अफेयर कराएंगे, ठीक है, ये भी कर लो। शिवराज चौहान जो है एग्रीकल्चर रिसेंटली मिनिस्टर, इससे पहले 3 बार ये क्या रह चुके हैं, पंकज सरोगे, इससे पहले ये 3 बार एमपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। 96 फाउंडेशन टेक्नोलॉजी डे का इनॉग्रेशन किया है किसने, शिवराज चौहान ने। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने फैमिली वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है ई स्वास्थ्य धाम। उत्तराखंड की दो कैपिटल है, विंटर की देहरादून है, समर की गहरी सिंह है, चीफ मिनिस्टर आपको पता है, और उत्तराखंड पहली देश की स्टेट है जिसने यूसीसी लॉन्च किया है। यूसीसी मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉन्च। इसी के साथ आज का करंट अफेयर खत्म, सैटरडे को होगा या मंडे को। थैंक यू, जय हिंद।